जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, CDO अनुज सिंह, SPCT विनय सिंह, CMO डॉक्टर SK तिवारी, BSA BN सिंह, DDO डॉक्टर बब्बन उपाध्याय, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें और गोरखपुर को प्रदेश में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करें तथा सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि 8 और नए क्रय केंद्र खोले जाएं, किसी भी दशा में पिछले वर्ष से कम क्रय केंद्र ना हो। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुभ दिन देखकर विवाह कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वृक्षारोपण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद बीज की उपलब्धता, मुख्यमंत्री आवास योजना, धान खरीद, LED लाइट स्थापना, पारदर्शी किसान योजना, ई टेंडरिंग, सौभाग्य योजना, पेंशन, यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तक वितरण आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया। कामकाजी सर हमारे बीच में एडीएम प्रशासन वाले थे, वो इस प्रारूप को सर अपने प्रारूप को समझाएंगे। सर कह रहे थे केवल आबकारी अक्टूबर मार्च तक पूरा कर पाया, जो लक्ष्य है उससे अधिक है सर। वैसे ओवरऑल सर 54% है। सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, नंबर एक विकास, नंबर दो सुरक्षा। आज इन्हीं दोनों बिंदुओं पर समीक्षा बैठक थी। जनपद गोरखपुर विकास में भी अव्वल रहेगा और सुरक्षा में भी अव्वल रहेगा। आज कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, उद्योग है, सिंचाई है, आवास, स्वच्छता, विद्युत इत्यादि में भूमिका में अग्रणी रहे। वैसे तो सभी विभागों के जनपदीय स्तर के जिला संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था, सभी की समीक्षा की गई है और सभी लगभग ठीक स्थिति में। कुछ निर्माण कार्य हैं जो दिसंबर में पूरे कर लिए जाएंगे। बिजली और सिंचाई सुरक्षा वगैरह सारे के निर्देशित कर दिया गया है। गोरखपुर आज विशेष तरीके से हमने कहा है, गोरखपुर देश में पर्यटन के मानचित्र पर अग्रणी आबे, गोरखपुर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित हो, इन सारी योजनाओं पर आज चर्चा हुई है और पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है कि सब ठीक ठाक रहे और सब अधिकारी ठीक से काम करें। धान खरीद पर पिछले वर्ष 105 केंद्र के थे, इस बार 98 खुले हैं। आज जिलाधिकारी को बता दिया गया है, ये इन्होंने एक नोडल अधिकारी बना दिया गया है और सभी अधिकारी, कुछ अधिकारियों को विशेष केंद्र चिन्हित कर दिए गए हैं, वो जाके देखेंगे। अब कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसान की इस केंद्र पर बेचेगा, जहां उसको सुविधा मिले। गोरखपुर का किसान किसी भी धान केंद्र पर अपना धान बेच सकता है, उसके साथ कोई शोषण नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, इधर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी धान लेकर पहुँच जाएगा तो उसका धान तोला जाएगा। अब इस बार 105 केंद्र हम खुलवा देंगे, जिलाधिकारी उसको पूरी तरीके से देख रहे हैं और यहाँ नोडल अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। किसान को धान बिक्री करने में तौल केंद्रों पर कोई कठिनाई नहीं आएगी और भुगतान भी हम शीघ्रता से करा देंगे। 4 जनवरी से संस्था का रैंकिंग होना है। 4 जनवरी से मैं
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ। अभी तक हम कल्पना करते थे कि हमारा प्रदेश कभी क्या हरियाणा पंजाब की तरह हो पाएगा। हम हरियाणा पंजाब में कृषि में हम तीसरे नंबर पर आ गए, हरियाणा एक नंबर पर, पंजाब दो नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। कृषि में हम इसलिए आ गए कि उत्तम बीज खाद इसका और अच्छा सिंचाई का भी प्रबंध हो रहा है, तो ये है। और रेंटिंग में आज हमने कहा है, यहाँ नगर आयुक्त जो है वो निलंबित हैं, जिलाधिकारी पांड्यानी जी पर चार्ज है, ये टीम बना के निकल रहे हैं। और जहाँ स्वच्छता के लिए भी कहा गया है, गांव स्तर पर भी स्वच्छ हो, हमने तीन बातें कही हैं, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता और निर्माण कार्य, इन तीनों बातों पर गोरखपुर में ध्यान दिया जाएगा और गोरखपुर स्वच्छता में अव्वल आएगा।